नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा पत्रिका यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष और मैं लेकर आया हूं एचएसएससी ने अब तक जितने भी भर्तियां निकाली हैं उनके जो भी रिक्रूटमेंट टेस्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लिए हैं उन सभी का हरियाणा जीके का पोर्शन। तो ये होगी हरियाणा जीके ओल्ड पेपर्स की पूरी सीरीज, जिसमें हम सोल्व करेंगे हरियाणा जीके के पोर्शन को। हमारा मकसद सबसे पहले हरियाणा जीके की तैयारी करवाना है, क्योंकि ये पोर्शन एचएसएससी की हर परीक्षा में बहुत ही अहम होता है। इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की जैसे कि करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, इन सभी की वीडियोज भी इसके साथ साथ आने वाली हैं। आज हम सोल्व करेंगे फूड एंड सप्लाई सब इंस्पेक्टर का पेपर। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा जिला श्रीपद जनपद के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जो श्रीपद जनपद के नाम से जाना जाता है? वो जिला है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को श्रीपद जनपद के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र का मतलब होता है कुरु का क्षेत्र। 1973 में करनाल से अलग होकर कुरुक्षेत्र जिले को बनाया गया था। कुरुक्षेत्र ही वो मैदान है जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध चला था 18 दिन तक। इस युद्ध के दौरान ही कुरुक्षेत्र के मैदान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा का कौन सा जिला स्मार्ट सिटी मिशन स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल हुआ? तो हरियाणा के दो जिले स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल किए गए थे, एक तो करनाल और दूसरा फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत मोदी सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना। हरियाणा में इस समय कितने जिले हैं? हरियाणा में वर्तमान में कुल मिलाकर 22 जिले हैं। इससे पहले हरियाणा में कुल 21 जिले थे, लेकिन चरखी दादरी को एक नया जिला बनाया गया है, जिसके बाद हरियाणा में कुल जिले हैं 22। 18 सितंबर 2016 को दादरी में आयोजित रैली में यहाँ के लोगों की 25 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए श्री मनोहर लाल खट्टर ने चरखी दादरी को प्रदेश के 22वें जिले का दर्जा देने की घोषणा की, जिसके बाद 18 अक्टूबर 2016 को हरियाणा कैबिनेट ने चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला बनाने की मंजूरी दे दी। 4 सितंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा चरखी दादरी को जिला बनाए जाने की मंजूरी वहां से भी मिल गई थी। 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किया था मंसूर अली ने, जो कि पटौदी के नवाब थे। पटौदी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 1804 में की गई थी। इसके पहले नवाब थे मोहम्मद फैज तलब खान सिद्दीकी। पटौदी के 8वें नवाब इख्तियार अली खान ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी। उनके पुत्र और पटौदी के 9वें और आखिरी नवाब मंसूर अली खान पटौदी थे। सैफ अली खान मंसूर अली खान के पुत्र हैं। गीता और बबीता फोगाट कहाँ की रहने वाली हैं? गीता और बबीता फोगाट हरियाणा के बलाली से की रहने वाली हैं, जो कि अब चरखी दादरी जिले में पड़ता है। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने फिल्म दंगल में किसका किरदार निभाया? तो आमिर खान ने फिल्म दंगल में किरदार निभाया था महावीर सिंह फोगाट का, जो कि गीता और बबीता फोगाट के पिता है। महावीर सिंह फोगाट को भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? गीता फोगाट हरियाणा के बलाली से आती हैं, जो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला है। मनोहर ज्योति योजना के तहत हरियाणा सरकार कितनी सौर प्रणाली लगाएगी? तो 10 लाख सौर प्रणाली लगाने का इनका लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत आवासीय, संस्थागत, सामाजिक क्षेत्र, निजी और वाणिज्यिक सहित औद्योगिक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है संसाधनों और पर्यावरण को बचाना। वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? चौधरी छोटूराम ने 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की थी। रहबर ए आजम व गरीबों और किसानों के मसीहा छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सापला में हुआ था। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रहबर ए आजम किसे कहा जाता है? तो रहबर ए आजम कहा जाता है चौधरी छोटूराम को।
चौधरी छोटू राम का वास्तविक नाम था राम रिचपाल। 1914 में इनको राव बहादुर की उपाधि से भी नवाजा गया था। 1916 में इन्होंने जाट गजट समाचार पत्र निकाला था जो इन्होंने रोहतक प्रकाशित किया था। 1933 में भाखड़ा बांध का काम शुरू करवाने में भी इनकी अहम भूमिका रही थी। 1943 में इनको दीनबंधु की उपाधि सी एफ एंड्रयूज एवं मोहनदास करमचंद गांधी इन दोनों ने मिलकर इनको दीनबंधु की उपाधि से नवाजा था। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने कब से कार्य करना आरंभ किया? तो हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने काम करना शुरू किया था नवंबर 1966 से। भक्त पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? आयोजित होता है कासन में। इसके अलावा शीतला माता मेला लगता है गुरुग्राम में। बुद्धो माता का मेला लगता है मुबारकपुर में। गुगा नवमी का मेला लगता है इस्लामपुर में। भक्त पूर्णमल का मेला लगता है कासन। बूढ़ी तीज का मेला लगता है आलदुर्गा में। महादेव का मेला लगता है इच्छापुरी में। शिवजी का मेला लगता है पुन्हाना, जिरासी, रिवाड़ी, बागोत आदि स्थानों पर। शाह चौखा खोरी का मेला लगता है खोरी में। तीज का मेला लगता है गुरुग्राम में। देवी का मेला लगता है बुढ़ेड़ा में। नाग पूजा का मेला लगता है नंगल मुबारकपुर में। हरियाणा में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो राज्यपाल रहे हैं वो रहे हैं बीएन चक्रवर्ती, जो कि हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे, जिनका कार्यकाल 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक रहा था। इसके अलावा हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर, जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के राज्यपाल बने थे। ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। सबसे कम समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं ओम प्रकाश वर्मा। उनका कार्यकाल 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक ही रहा था। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी, जो कि हरियाणा के राज्यपाल बने थे 27 जुलाई 2014 को। कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के 16वें राज्यपाल हैं। इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। राव बीरेंद्र सिंह भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद बनारसी दास गुप्ता भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हरी सदानंद बरारी हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बने। इस भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, जो 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना भी की थी। विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी राव बीरेंद्र सिंह ने। चौधरी बंसीलाल ऐसे मुख्यमंत्री थे, कुल मिलाकर हरियाणा के सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला जी सबसे ज्यादा बार 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला अपने एक कार्यकाल के दौरान केवल 5 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। ये किसी भी मुख्यमंत्री का एक कार्यकाल के दौरान सबसे कम दिन का कार्यकाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1955 में करनाल में की गई। इसके अलावा गेहूं अनुसंधान संस्थान है करनाल में, जिसकी स्थापना हुई 1978 में। उसके बाद राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो है करनाल में, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार में, जिसकी स्थापना की गई थी 1985 में। उसके अलावा राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान है करनाल में, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में। उसके बाद राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान है फरीदाबाद में, जिसकी स्थापना की गई थी 1988 में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान है करनाल में, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। प्रीतम ठकरान भी हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, सीता गोसाई भी, अनिल नंदल भी। तो तेजवीर सिंह हैं जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है 2001 से 2011 के दौरान गुरुग्राम की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ये तथ्य बिल्कुल सही है। गुरुग्राम हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ये तथ्य बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है
फरीदाबाद। 2001 से 2011 के दौरान झज्जर की जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि हुई है, ये कथन भी एकदम सही है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। फरीदाबाद हरियाणा का ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है। इसके अलावा शहरी जनसंख्या के मामले में भी फरीदाबाद पहले नंबर पर है। निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है? तो इनमें से वो जिला जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है वो है रेवाड़ी, बाकी इन तीनों की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। हरियाणा में कुल 6 ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, और वो जिले हैं पंचकुला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की? तो हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2006 से। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों को अप्राकृतिक मौत अथवा स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परिवार योजना के तहत 18 से 65 वर्ष की आयु के बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे परिवार के संचालक को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है? तो ये राशि है 10,000 रुपए। अपनी बेटी अपना धन योजना के तहत हरियाणा सरकार लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को कितनी राशि नकद देती है? तो ये राशि है 500। इसके अलावा 1500 रुपए इंदिरा विकास पत्र लड़की के नाम देती है, जिससे 18 वर्ष बाद 25,000 रुपए और 22 वर्ष बाद 35,000 रुपए की राशि लड़की को प्राप्त होती है। 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था? तो देशभक्त थे अब्दुल रहमान खान, जिनको 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। चौधरी लोहरी सिंह किस जिले से संबंध रखते हैं? तो चौधरी लोहरी सिंह का संबंध है सोनीपत जिले से। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन कप्तान और पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मैचों में 253 विकेट लिए तथा 434 विकेट लेकर क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया। कपिल देव को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण। चौधरी बंसी लाल कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे 3 बार। इसके अलावा कुल मिलाकर सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले भी चौधरी बंसी लाल ही हैं। इसके अलावा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज्यादा 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। एक कार्यकाल के दौरान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, जो केवल 5 दिन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सबसे लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। लगातार सबसे लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जो कि 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। तो दोस्तों, ये था फूड एंड सप्लाई सब इंस्पेक्टर का हरियाणा जीके का पोर्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको तुरंत मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।